आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले समुदाय घुमंतू है। राजस्थान में इस समुदाय में 32 जातियां हैं जिनकी अनुमानित जनसंख्या 60 लाख है, लेकिन इनके पास अपनी पहचान का कोई दस्तावेज नहीं है, न वोटर आईडी कार्ड है, न कोई अन्य दस्तावेज। आज़ादी के इतने साल बीत जाने और शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद इस समुदाय के बच्चे शिक्षा से दूर भीख मांगने को मजबूर है। स्कूल का आइडिया ऐसा है कि अगर हम शहर की और देश की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो लोग हैं, जैसे हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये एक वंचित समुदाय है। ये शहर के विकास में तो जुड़ा है, लेकिन इनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। और आइडिया का सिर्फ इतना सा कि हम लोग एक जो एक लोगों की मदद करने का जो एक ह्यूमर फैला हुआ है कि जाके गरीबों की मदद करनी चाहिए, हम लोगों ने भी ये शुरू किया था कि लोगों की, इन लोगों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए। और मदद का तरीका हम लोगों का ये था कि जाके इनको कुछ दे दो, चाहे उनको कपड़े दे दो या कॉपी किताब दे दो या खाने की चीज़ दो, तो वो मदद को हम मदद मानते थे। लेकिन जब देखा कि उससे बदलाव नहीं आ रहा, इन लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, फिर हम लोगों ने एक पहल शुरू करी शिक्षित करने की, क्योंकि बिना शिक्षा के देश का विकास हो नहीं सकता, लोगों में समझ आ नहीं सकती। और 10 महीने पहले 1 मार्च को हमने शुरू की थी, 2019 को शुरू किया था। एक के खेत में उससे रेगुलर हम लोग इसमें रविवार को भी अवकाश रखते हैं। और जो अवकाश का दिन होता है हम इन बच्चों के लिए, वो होता है सिर्फ अमावस का दिन, क्योंकि अमावस के दिन इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो, उनका अवकाश होता है, वो किसी तरह की मजदूरी पे नहीं जाते हैं, तो उन लोगों के साथ इन बच्चों की छुट्टी रखते हैं। और हम उन लोगों की काउंसलिंग भी करते हैं, उन लोगों को भी समझाते हैं कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे जो होते थे, ये बच्चे भीख मांगने जाते थे, कई प्रकार की व्यसनों में लिप्त थे, ये सब उससे निकल के आए हैं। और आज इन बच्चों में से 99% कह सकते हैं कि एक बच्चा भी किसी मंदिर के सामने आपको भीख मांगता दिखाई नहीं देता। सर स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि सर इनकी घर की लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट थी। सबसे पहले तो हमने इनको बोलना सिखाया, क्योंकि ये मारवाड़ी भी नहीं, बहुत अलग लैंग्वेज थी, तो प्रोनाउंसिएशन में इतनी दिक्कत आई। पहले इनको बोलना सिखाया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमने इनको पेंसिल भी पकड़ना नहीं आती, इवन ये यूं पकड़ते थे पेंसिल को भी, क्योंकि बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं, स्कूल क्या होता है, तो इनको 2-3 दिन तो पेंसिल पकड़ाने में लग गए। स्टार्टिंग में 40 बच्चे आए थे फर्स्ट डे, और हमने एक दिन पहले बच्चों से आके पूछा था कि बच्चे आप पढ़ना चाहते हो क्या, तो सारे बच्चे तैयार थे कि हाँ हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट डे से 8 बजे से हमने स्टार्ट किया, तो बच्चे सारे हमको वहाँ बैठे हुए मिले थे। ये बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि अपने आस पड़ोस में जो गाड़ियां निकलती थी बच्चों को स्कूल लेते जाते हुए, ये देखते थे। इनके आस पड़ोस में कॉलोनी में पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने जाते थे जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो उनको देख के इनको भी लगता था कि हम भी स्कूल जाएं, लेकिन किसी वजह से नहीं जा पा रहे थे। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि सैटरडे क्या वो शनिवार आज का दिन होता था, तो ये चले जाते थे। कुछ छोटे बच्चे नहीं समझ पाए, वो चले जाते थे, तो हम लोग भी मंदिर गए, हम मंदिर से इनको समझा के लाए। लेकिन अब जो जितने भी बच्चे हैं, एक भी बच्चा मांगने नहीं जाता है, पहले जाते थे, स्कूल नहीं आते थे उससे पहले। आपको हर शहर के मुख्य चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर ये बच्चे भीख मांगते नजर आएंगे। रेनके कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 98% घुमंतू बिना जमीन के रहते हैं, 57% झोंपड़ियों में, और 72% लोगों के पास अपनी पहचान के दस्तावेज तक नहीं है, 94% घुमंतू बीपीएल श्रेणी में नहीं है। राजस्थान में जितनी भी सरकारें अब तक आई है, उन्होंने घोषणा पत्रों में कुछ वादे किए हैं, लेकिन पूरे नहीं हो पाए। घुमंतू जातियों को शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क जमीन देने को कहा गया, लेकिन वो भी धरातल पर नहीं उतर पाया है। रिस्पांस की अगर बात करें तो पहले तो इनके पेरेंट्स के सबसे बड़ी दुविधा उनके लिए ये हुई कि हमने सबसे पहले प्रहार किया इनके भीख नहीं जाने
देने के लिए, तो वो लोग बहुत नाराज हुए इस बात से कि क्यों हम लोग पीछे पड़े हुए हैं भीख मांगना, क्योंकि 200-300 रुपए कमाई होती है एक हफ्ते में। अगर शनिवार के दिन जाते हैं बच्चे 200-300 रुपए लेके आते हैं, तो 200-300 रुपए एक गरीब आदमी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो इससे थोड़ी देर तक परेशानी आई, 3-4 महीने तो हम लोगों को बहुत मुश्किल झेलनी पड़ी। कई लोग बार तो विरोध भी करते थे कि हमारे बच्चों के हाथ धो के आप पीछे पड़ गए हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं ये लोग रेगुलर हैं और एक भी दिन नहीं छोड़ रहे हैं, इनके लिए कहीं कहीं से कुछ व्यवस्था है कपड़े की और कुछ खान पीन का, कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऐसे छोटी मोटी चीज़ें शुरू करी, तो उन्होंने देखा चलो ठीक है करने दें। तो भी चोरी छुपे थोड़ा बहुत होता रहता था, लेकिन आज की तारीख में ये बिल्कुल बंद हो चुका है और वो लोग भी समझ चुके। और अब वो तो उन लोगों ने भी जाना बंद कर दिया, बच्चों के साथ साथ वो खुद लोग भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक बच्चा उनके लिए सहारा था भीख मांगने का कि हम लोग बच्चे के आश्रय भीख मांग सकते थे। ये लोगों की प्रवृत्ति भी होती है और समाज की भी प्रवृत्ति है कि बच्चा लेके आ रहा था दया दिखा के उन पर हम लोग भीख दे देते, तो वो प्रवृत्ति चेंज हुई है। और कुछ लोगों जो लोग हमारे पास ये 50-40-50 से परिवार हैं, इनमें ये बदलाव आया है और ये बहुत अच्छा हमको भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सर मिडास एक्चुअली में मिडास का मतलब जादुई छुअन, अपन ये कह सकते हैं जादू छुअन या अलादीन का चिराग अपन बोल सकते हैं। तो ये है कि आप किसी चीज़ को एक, जैसे हम लोग बोलते हैं पारस पत्थर और जो एक लोहे का जो जब मेल होता है तो वो एक सोना बन जाता है, मिडास वहीं से निकल के आता है। तो एक ये जो शब्द है कहीं बचपन में सुना था और ये एक दिल में बिठा होता कि बहुत अच्छा शब्द है। कितने साथी अब इस काम से जुड़ गए हैं? सर हम लोगों की टीम पिछले एक्चुअली में एक टीम है जो हम पर्यावरण स्वच्छता और इस क्षेत्र में पिछले 4 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। आज रेगुलर हमारे साथी हम लोग रेगुलर आते हैं, हमारे 20-25 लोग हैं जो आते रहते हैं चलते रहते हैं जिनका, और 3-4 लोग रेगुलर रहते हैं। तो ये है कि सब लोगों का अच्छा सहयोग है और सब लोगों की सहयोग से काम अच्छा चल रहा है। अपने अपनी चप्पल में बैठा बेटा, ठीक है।